हेलो एवरीवन, मेरे सारे पेशेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं या पूछते हैं, मैं ऐसा बोलूं कि मैडम कॉन्डम फट जाता है। तो कॉन्डम फटता नहीं है, ये कॉन्डम का पैकेट मेरे हाथ में ही है, मैं आपको डेमो करके बताती हूँ। अभी कॉन्डम एक्चुअली फटता नहीं है। जब ये आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जब आप मार्केट से कॉन्डम खरीदते हैं, आप कुछ बातों का ध्यान रखें कि आप कॉन्डम के हमेशा एक्सपायरी आप हमेशा चेक करें, इसके पीछे में जो एक्सपायरी लिखी होती है वो हमेशा आप चेक करें, और एक्सपायरी चेक करके ही आप हमेशा कॉन्डम खरीदें। और दूसरी बात, आप जब कॉन्डम फोड़ते हैं तो आप ये लाइन से काटें, यहाँ पे कट का निशान होता है, कुछ पे नहीं होता। तो ये जो लाइन्स होती है, आप यहाँ से इस तरह कॉन्डम फाड़ें, या तो फिर आप सीजर से कट कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप दांत से ना तोड़ें, कुछ लोग दांत से ही तोड़ देते हैं इसे, तो आप दांत से ना तोड़ें, या तो आप कैंची से काटें इसे, या आप यहाँ से हाथ से ऐसे फाड़ लें इसे, इस कॉन्डम को, और हमेशा इसकी एक्सपायरी चेक कर लें कि इसकी एक्सपायरी क्या है, और हमेशा एक्सपायरी देख के ही आप कॉन्डम खरीदें, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्डम फाड़ते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं। पहली बार ये जो लाइन्स होती है यहाँ पे, हमेशा आप कॉन्डम यहीं से ही काटिए, ठीक है, इस तरह इजीली फट जाता है, ठीक है, इस तरह ये कॉन्डम है, ये टिप है, ठीक है, ये टिप है, ये ऑलरेडी लुब्रिकेट ही होता है, तो इसमें अलग से आपको लुब्रिकेशन डालने की या लुब्रिकेट करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इस कॉन्डम को, ठीक है, ये ऑलरेडी लुब्रिकेटेड ही होता है, सो लुब्रिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। और यहाँ पे जो है, ये आगे में, यहाँ पे आपका सीमेन कलेक्ट होता है आगे में, और इसे जो है ये ऑलरेडी लुब्रिकेट ही होता है अंदर में, सो आपको इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में इसे मूव करना है, इस तरह, इस तरह आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसे मूव करना होता है। लुब्रिकेटेड ही होने की वजह से इजीली मूव हो जाता है, मैं हाथ से करके दिखा रही हूँ इसलिए मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी लुब्रिकेट होता है तो इजीली मूव हो जाता है, आप जब डालोगे तो इजीली मूवेबल ही होता है, क्योंकि लुब्रिकेट होने की वजह से अलग से इसको आपको लुब्रिकेशन नहीं करना पड़ता। और जब आप इसे टच करते हैं कि आप कोशिश करें कि आपका नाखून ना लगे इसे, अगर आपका नाखून लग जाता है कहीं से तो ये फिर फट जाएगा, ठीक है, तो इसे नाखून ना लगे इसका, इसे आप पूरी कोशिश करें। और दूसरी बात, आपका सीमेन जब इसमें कलेक्ट हो जाता है, इस टिप में, यहाँ पे आपका सीमेन कलेक्ट होता है नीचे में, तो आप इसे इस तरह डिस्कार्ड करते वक्त आप इसे यहाँ से फोल्ड कर दीजिए, इसे नॉट करके आप बाद में फेंकिए, ना कि इमीडिएट आप इसे फेंक दें, नॉट करके आप इसे फेंका कीजिए, इस तरह नॉट बना के आप इसे फेंकें, ना कि डायरेक्टली आप इसे फेंक दें। कॉन्डम है, मुझे बहुत से मेरे पेशेंट्स बोल रहे थे कि मैम फट जाता है, तो मैंने देखा है ये फटता तो है नहीं, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, नहीं फटता है। मैंने 2-3 करके भी देखे हैं, माइट भी फट जाए करके, लेकिन नहीं फटता है, मैंने करके देखे, नहीं फट रहा है, ठीक है, फटता तो है नहीं, क्योंकि वाटर टेस्ट करके ही आता है कॉन्डम, इसका वाटर टेस्ट पहले होता है, जैसे आपका सीमन इसमें कलेक्ट होता है उसी तरह वाटर टेस्ट किया जाता है, और वाटर टेस्ट जब ये कॉन्डम क्लियर करता है तभी मार्केट में ये आता है, तो ऐसे ही ये कॉन्डम आता नहीं है। और ये स्ट्रेचेबल होता है, काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, ईजीली फटने लायक ऐसा तो कुछ है नहीं। अब हमेशा एक्सपायरी देखें, अपना नाखून इसे ना लग पाए इसकी कोशिश करें, ताकि ये फटे नहीं। और जब आप डिस्कार्ड करते हैं तो हमेशा इस तरह नोट करके आप इसे डिस्कार्ड करें। थैंक यू।
ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह डेली अपडेट्स देती रहूँ।